नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। जैसे कि कल RMS यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के द्वारा जो CET है यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया। वैसे तो मैं कल भी जो है लाइव आया था उसी टाइम जब नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, चलो फिर भी अगर कोई किसी बच्चे का डाउट है तो उसके लिए मैं एक दोबारा से डिटेल वीडियो जो है बना रहा हूँ, जिसमें कि हम एलिजिबिलिटी देखेंगे, लास्ट डेट कब तक है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, क्या 9th के लिए गर्ल्स को अलाउ किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। ठीक है, तो कैसे आप ये जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो ऑलरेडी कल अपलोड कर दी गई थी। ठीक है, आप चैनल पर जाके या फिर आप लिख सकते हो हाउ टू अप्लाई RMS CET। ठीक है, तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो आप इस वीडियो पर जाके देख सकते हो कि कैसे आप ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। सो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लास्ट डेट कब तक है। ठीक है, तो लास्ट डेट यानी कि 18 सितंबर से शुरू होकर 18 अक्टूबर तक है, यानी कि हमारे पास एक मंथ का पूरा समय है। ठीक है, आप एक मंथ के अंदर अंदर जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट ट्रैफिक से बचें। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो रश बहुत हो जाता है, इसीलिए आपको क्या करना है पहले ही जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। ठीक है, अब रिटर्न एग्जाम कब होगा, ठीक है, वो जल्दी ही नोटिफिकेशन डाल के आपको जो है बता दिया जाए। उसके बाद रिजर्वेशन की बात करें, ठीक है, तो रिजर्वेशन 70% जो सीट्स रिजर्व रहती हैं वो वार्ड ऑफ सर्विंग एंड रिटायर JCO और OR के लिए रहते हैं, जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स में होते हैं। और 30% जो सीट्स रहती हैं वो सिविलियंस के लिए, और साथ ही साथ वार्ड ऑफ सर्विंग रिटायर ऑफिसर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सिविलियंस के लिए। ठीक है, 27%, 15% और 7.5% जो सीट्स रिजर्व रहेंगी वो OBC, नॉन क्रीमी क्रीमी लेयर के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए रहेंगी। और टोटल 50 सीट्स यानी कि नॉट मोर देन 15 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो पर्सनल किल्स हुए थे एक्शन में तो उनके लिए जो है रिजर्व रखी गई है। और 10% जो सीट्स रिजर्व है यानी कि 30 वैकेंसी मिनिमम है, यानी कि सभी एक RMS में जो है फाइव यानी कि 5 RMS में जो है मैक्सिमम 30 सीट्स जो है वो गर्ल्स के लिए, क्लास 6 के लिए ही रखी गई है। ठीक है, तो उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लास 6 के लिए बच्चा या तो 5th स्टडी में पढ़ रहा हो, ठीक है, या फिर उसने 5th स्टडी को जो है पास कर लिया हो। उसके बाद अगर क्लास 9 के लिए बात करें तो क्लास 8 का पास होना या फिर उसमें स्टडी कर रहा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अप्रैल तक जो है बच्चे का सेशन वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर एज की बात करें तो गर्ल्स एंड बॉयज क्लास 6 के लिए, ठीक है, 10 से 12 साल के बीच में होने चाहिए, यानी कि 30 मार्च, ठीक है, 2024 तक। ठीक है, ये जो बच्चे का जन्म है वो 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014 के बीच में होना चाहिए क्लास 6 के लिए। और क्लास 9 के लिए सिर्फ बॉयज ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो एज होनी चाहिए वो 13 टू 15 ईयर के बीच में होनी चाहिए, और बच्चों का जो जन्म है वो 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2011 तक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 6 मंथ का जो है एज रिलैक्सेशन भी दे दिया जाएगा अगर कोई वार्ड ऑफ पर्सनल किल हो जाए एक्शन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, आपका जो टेस्ट रहेगा वो OMR बेस्ड पेपर रहेगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्लास 6 की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम क्लास 9 के लिए डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें क्लास 6 के लिए, तो इसमें आपका जो पेपर है वो 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका इंग्लिश में 50 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, इसीलिए 50 मार्क्स, और टोटल आपको इसमें से जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई ही करना होता है, यानी कि 35% जो है स्कोर करना होगा। उसके बाद इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आएंगे, सेम 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, इसमें 50 मार्क्स का पेपर रहेगा और 40% इसमें आपको स्कोर करना होता है। उसके बाद मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक ही मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें भी आपको 40% स्कोर करना होगा। उसके बाद जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में भी आपके 50 क्वेश्चन
रहेंगे। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि आपको 50-40% जो है स्कोर करना होगा। जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर आपकी जो है इंटरव्यू होगी, और इंटरव्यू के बाद जो है मेडिकल टेस्ट होगा। अब मेडिकल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो जो है चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां पे विजिट करके देख सकते हो, और इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद इसका क्लास 9th के लिए अगर बात करें तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, ए, बी और सी। सबसे पहले पेपर ए की बात करें तो इसमें मेनली 3 सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश यानी कि 50%, 50 मार्क्स आएंगे सॉरी। उसके बाद हिंदी इसमें 20 मार्क्स की आएगी, सोशल साइंस जो है वो 30 मार्क्स की आएगी। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और 50% आपको स्कोर करना होगा। उसके बाद पेपर सेकंड में मैथ और साइंस आएंगे जो कि 50-50 मार्क्स के रहेंगे, इसमें भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 50% जो है आपको स्कोर करना होगा। उसके बाद अगर बात करें इंटरव्यू की, तो इसमें जो इंटरव्यू रहेगी वो 50 मार्क्स की रहेगी, और उसके बाद फिर आपका मेडिकल हो जाएगा। अगर आप मेडिकल को क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद फिर आपको एडमिशन हो जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहला बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए स्टूडेंट का, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसमें कैटेगरी SC ST ठीक है OBC के लिए चाहिए, और साथ ही साथ अगर जो डिफेंस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उनको डिफेंस सर्विंग और रिटायर सर्टिफिकेट जो है जरूरी है। उसके बाद आधार कार्ड ऑफ द स्टूडेंट यानी स्टूडेंट का आधार कार्ड चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए एक, और सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, तो 1st ऑफ अक्टूबर से ठीक है हमारा क्रैश कोर्स जो है RMS के लिए शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसमें कि आपकी डेली 3 आर की क्लासेस रहेंगी, स्टडी मटेरियल रहेगा, वीकली मॉक टेस्ट रहेगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, ठीक है, स्पेशल डाउट सेशन रहते हैं, और क्लासेस दोनों ही मोड में चलती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, आप किसी भी मोड में जो है क्लास ले सकते हो। ठीक है, अगर ऑनलाइन लेते हो तो ठीक है आप इंडिया में कहीं भी बैठे हुए अपना कोर्स जो है ऑनलाइन ले सकते हो। ठीक है, अगर कोई ऑफलाइन लेना चाहता है ठीक है, तो हमारे ऑफिस ये एड्रेस है तो विजिट कर सकता है, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इन नंबरों पर हमारे से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।